एक गुरु था तो उसके मानने वाले बहुत बढ़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि बादशाह जो हैं वो भी उसके शागिर्द होने लगे। तो एक दिन बादशाह ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, आप मुझसे बहुत महान हैं। उसने कहा कि नहीं, आप बादशाह सलामत हैं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ। वो कहने लगे कि आपके मानने वाले, आपके प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। गुरु कहने लगा कि ये आपकी बात ठीक है, लेकिन इनमें से जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, इनमें से सिर्फ 1.5 लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ 1.5 लोग। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा ये हज़ारों की कतारें लगी हुई हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ 1.5 लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको आज़माऊँ। बादशाह ने कहा कि ठीक है, आज़माएं। वादी में बैठ गए। उसने कहा कि मेरी कुटिया जो है एक पहाड़ी पर बना दें। अगले दिन गुरु ने क्या किया, जो सामने बैठे हुए थे उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे खुदा ने आज मुझे इल्हाम दिया है कि इतने प्यार करने वाले लोग जो हैं उनमें से किसी एक को कुर्बान करूं। जितने भी सामने बैठे थे सोचने लगे कि गुरुजी ने ये क्या कह दिया है, कौन कुर्बानी देगा। एक शख्स जो था वो उठा और जाकर गुरु के पास बैठ गया और कहने लगा कि गुरुजी, मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे कुर्बान करें। गुरु ने कहा कि बेटा, उस कुटिया में चले जाएं। वहाँ गया और गुरु जो था उसने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा कि नहीं बेटा, मैं आपको कुर्बान नहीं करना चाहता, आप खामोशी से यहाँ बैठ जाएं। और एक वहाँ बर्रा था, उसको उन्होंने ज़िबा किया। जब बर्रे का खून जो है वो कुटिया से बाहर निकला तो सामने जितने भी लोग देखने वाले थे वो कहने लगे कि हमारा एक साथी जो है वो हमसे दूर हो गया, चला गया। अगले दिन फिर इसी तरह हुआ। गुरु ने कहा कि आज मेरे खुदा ने फिर मुझे रोया दी है, फिर इल्हाम दिया है कि मैं अपने चाहने वालों में से किसी एक को कुर्बान करूँ। लोगों ने जब ये आवाज़ सुनी तो बहुत सारे उठकर चले गए, हजूम आधा रह गया। आधे में से एक औरत जो है वो बड़े इतमाद के साथ आगे गई और गुरु से कहने लगी कि गुरुजी, मैं हाज़िर हूँ, आप मेरी कुर्बानी दें। उसने उसके सर पर भी हाथ रखा और कहने लगा कि बेटा, मैंने आपको कुर्बान नहीं करना, कुटिया में चले जाएं। जब वहाँ पहुँचे तो उसका पहला साथी भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने बरे को ज़िबा किया और खून जब उस कुटिया से बाहर निकला तो जो वहाँ बैठे थे वो सब के सब जो हैं वो वहाँ से चले गए। बादशाह भी देखकर बड़ा हैरान हुआ। जब गुरु वापस आए, बादशाह से बातचीत की तो गुरु ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था आपको कि मुझे चाहने वाले सिर्फ कितने लोग हैं, 1.5 लोग हैं। लेकिन बादशाह ने कहा, नहीं 1.5 नहीं, कुर्बानी 2 ने दी है, 1.5 ने तो नहीं दी, 2 कुर्बान हुए हैं। गुरु ने कहा कि मैंने कुर्बानी उनकी भी नहीं दी, वो भी उसी तरह सलामत हैं, लेकिन सबसे पहला शख्स जो है, जो पहले दिन गया था, वो आधे ईमान के साथ था कि शायद मेरा गुरु जो है वो मुझे बख्श दे, माफ़ कर दे, शायद वो मुझे कुर्बान कर दे, तो वो ईमान में आधा था। लेकिन अगले दिन जो औरत गई है वो ईमान में कामल थी और वो एक थी, इसलिए मुझसे प्यार करने वाले, मुझे समझने वाले, मेरे लिए अपने दिलों में जगह रखने वाले कितने लोग हैं, 1.5 लोग हैं। बादशाह ने कहा कि गुरुजी, आपने खूब फरमाया है।
واقعی کسی کو دل سے پیار کرنا بہت بڑی بات ہے. اکثر ہم جماعتوں میں بھی کیا دیکھتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے کروسیڈ ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن وہاں رش کن چیزوں کا ہے؟